पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में नव निर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण कर ली। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे पंचायत भवन में विनोद अग्रवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने मेयर को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद महापौर विनोद अग्रवाल ने मुरादाबाद के विकास का संकल्प दोहराया है। महापौर के बाद नगर निगम के सभी नव निर्वाचित 70 पार्षदों को भी शपथ दिलाई गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष MLC एडवोकेट सत्यपाल सिंह सैनी, पूर्व सांसद सर्वेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह चौहान, विधायक रितेश गुप्ता, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के साथ तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब भाजपा में जिले में दो खेमे हुआ करते थे। एक खेमा था पूर्व सांसद सर्वेश सिंह का और दूसरा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का, लेकिन भूपेंद्र का कद बढ़ने के साथ ही दूसरा खेमा सरेंडर कर चुका है। इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब गुरुवार को शपथ लेते ही महापौर विनोद अग्रवाल ने मंच पर बैठे अपने से कम उम्र के चौधरी भूपेंद्र सिंह के सार्वजनिक रूप से पैर छुए। जब विनोद ने भूपेंद्र सिंह के पैर छुए तो उस वक्त सर्वेश सिंह भी मंच पर मौजूद थे। बता दें कि भूपेंद्र चौधरी ने पंचायत भवन सभागार के इसी मंच से कहा था कि विनोद अग्रवाल लगातार मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहता तो चुटकी में खेल खत्म कर देता। नगर निगम मुरादाबाद का महापौर निर्वाचित ईश्वर की शपथ ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विनोद अग्रवाल भारत की प्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। जय हिंद। आज मुरादाबाद नगर निगम के नव निर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी और सभी मान्य 70 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। सभी नवनिर्वाचित सभासदों ने और महापौर जी ने शपथ ली है और इस मुरादाबाद की जनता ने आने वाले 5 साल तक अपनी अपेक्षा आवश्यकता के अनुसार काम करने का जनादेश दिया है। मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नगरीय क्षेत्रों में काम करने का अवसर दिया है और सभी नगर निगम के महापौर, सभासद, चेयरमैन, सभासद, पूरे सब लोग मिलकर नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगे, नगरों को सजाने और संवारने का काम करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।